नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन स्पिरिचुअल। आपके साथ मैं हूं रीना। यदि किसी व्यक्ति को पितृदोष का सामना करना पड़ रहा है तो पोष माह में इसे दूर करने का शुभ अवसर आ गया है। दरअसल पोष माह पितरों को समर्पित माह के रूप में जाना जाता है, इसीलिए इसे छोटा श्राद्ध पक्ष भी कहते हैं। पोष माह में इस साल की पहली अमावस्या होगी जिस दौरान पितरों को प्रसन्न किया जा सकता है। आइए विस्तार से जानते हैं कि पोष माह की अमावस्या का शुभ मुहूर्त कब है और इसकी पूजा विधि क्या है। पोष मास की अमावस्या तिथि 10 जनवरी को रात में 8:10 से शुरू होगी, जिसका समापन अगले दिन 11 जनवरी को शाम के 5:26 पर होगा। ऐसे में पोष अमावस्या 11 जनवरी गुरुवार के दिन मनाया जाएगा। इस दिन पूर्वजों के नाम से तर्पण, पिंडदान, पवित्र नदी में स्नान, दान और उन्हें अर्घ्य दें। ऐसा करने से उनकी आत्मा को शांति मिलेगी और ऐसा करने से पितृदोष से भी छुटकारा मिलता है। पोष अमावस्या के दिन सूर्य देवता को स्नान करने के बाद एक लोटे में जल लेकर उसमें लाल रंग के फूल के साथ काले तिल डालकर अर्घ्य देना। ध्यान रखें कि अर्घ्य देते समय अपने अपने पितरों का मन में नाम जरूर लें। ऐसा करने से पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है। इस दिन पीपल के पेड़ की पूजा करके जल जरूर अर्पित करें। ऐसा करने से पूर्वज आशीर्वाद देते हैं। हिंदू धर्म में पीपल के पेड़ में पितरों का वास माना जाता है। यही वजह है कि इस दिन अपनी इच्छा अनुसार जरूरतमंदों को और उन्हें भरपेट भोजन जरूर कराएं। ऐसा करने से पूर्वजों की कृपा दृष्टि आप पर बनी रहती है। अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे आने वाले वीडियोज़ के अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।